हेलो एवरीवन, वी आर क्वेयर में स्वागत है आप सभी का। मैं निलय आज दोस्त के चाचा से प्यार की स्टोरी लेकर के आया हूँ। आप सभी के लिए काफ़ी खास स्टोरी है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे स्टोरी को, बारीकियों को समझेंगे। स्टोरी गजब की होने वाली है तो शुरू से अंत तक जरूर देखें। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आज की कहानी गाजियाबाद की है, दो दोस्तों की है और हमने उनका निक नेम यूज किया यहाँ पे स्टोरी में, टीटू और मोनू। एक ही मोहल्ले में रहते थे। टीटू के पापा और उसके जो दादा दादी हैं वो देहरादून के हैं, लेकिन बिजनेस के लिए देहरादून से गाजियाबाद आए थे टीटू के पापा। और फिर धीरे धीरे चूड़ियों का बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। स्टार्टिंग में काफी सारी स्ट्रगल झेली। अब जिस वजह से टीटू की फैमिली गाजियाबाद में ही रहती थी और उसके दादा दादी सभी देहरादून में ही रहते थे, टीटू के पापा ही फैमिली को पैसे भेज दिया करते देहरादून। और वो अपने छोटे भाई ऋषि से पढ़ाई के लिए इंस्टॉलमेंट में पैसे दिया करते और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ऋषि को आगे एजुकेशन के लिए उन्होंने पुणे भेज रखा था। ऋषि घर में सबसे छोटा था और टीटू के पापा अपने छोटे भाई ऋषि से हद से ज्यादा प्यार करते थे जैसा मैंने बताया। पर टीटू की जो मम्मी थी उसको सबसे प्रॉब्लम थी और टीटू की मम्मी की वजह से ही टीटू के पापा देहरादून नहीं जाते थे क्योंकि लड़ाइयां होती थी। टीटू की मम्मी काफी बदतमीज टाइप की थी और अपने ससुराल वालों से चिढ़ती थी, अपने सास ससुर को भी प्यार नहीं देती थी, जिस वजह से टीटू और उसकी फैमिली गाजियाबाद में ही रह करके अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी। अब टीटू और मोनू साथ में एक ही स्कूल में जाते, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन भी जाते। दोनों के दोनों ही क्लास 10th में थे। स्टोरी में आपको ये भी मैं बता दूं आगे चल के कि जिस तरीके से मोनू की लाइफ रही है वो काफ़ी बुरी रही है क्योंकि उसे कभी पापा का प्यार नहीं मिला था और टीटू को अपने मम्मी पापा दोनों का प्यार मिला था, इसलिए ये काफ़ी कॉन्फिडेंट था। इसीलिए कहते हैं कि परवरिश का थोड़ा असर पड़ता है। मोनू की लाइफ में सिर्फ उसकी मम्मा थी क्योंकि पापा अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस में इतना बिजी रहते कि फैमिली में मम्मी से ना तो ठीक से बात करते ना उसे टाइम देते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और पढ़ाई लिखाई से हर एक चीज़ सब कुछ अच्छी चल रही थी। टीटू और मोनू काफ़ी अच्छे से चल रहे थे, लेकिन मोहल्ले में एक पुरानी खंडहर जैसी जगह थी जहाँ पर घर टूटा पड़ा था, एक मकान था। वहाँ अक्सर शाम को मोहल्ले के आवारा लड़के बीड़ी सिगरेट और नशाबाजी करते बैठे रहते थे, जहाँ से गुजरना लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था क्योंकि वहाँ पर हमेशा बदबू आती थी, कभी शराब की तो कभी किसी और चीज़ की। लोग वहाँ, अब नशाबाजी करने वाली जगह का स्मेल आपको पता ही है। बिट्टू और मोनू जब भी वहां से गुजरते थे वो लोग मजाक करते या कमेंट पास करते। कभी कोई कहता है कि आओ यार ताश खेलो छोटू, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। कोई कहता है कि अरे कौन सी मैडम से ट्यूशन पढ़ते हो यार, हमें नंबर तो दे दो। मोनू उन लड़कों को बहुत गौर से देखता पर कुछ कहता नहीं। टीटू जवाब दे देता था, मोनू तो बिल्कुल सीधा साधा था, तो टीटू प्रोटेक्ट कर लिया करता मोनू को, बचाता उनकी बातों से। जब भी कोई कुछ कहता तुरंत जवाब दे देता था। टीटू मम्मी पर गया था, किसी की भी बात हाजिर जवाब दे देता था। क्लास 10th में टीटू किसी लड़की को पसंद करता था और ट्यूशन में टीटू उस लड़की के चक्कर में या तो एक घंटे पहले पहुंच जाता है, फिर उसे ट्यूशन से उसके निकलने का वेट करने में भी एक घंटा लगा देता। आने जाने में ट्यूशन ही काफी टाइम लग जाता था। मोनू भी अब टीटू से दोस्ती के चक्कर में अपने घर आने जाने के लिए लेट हो जाता, जिसकी वजह से उसको अपनी मम्मी से सुनना पड़ता था। बाकी टीटू का कोई चक्कर नहीं था, पापा सपोर्टिव थे और मम्मा थोड़ा मोटा डांट लगाती थी, लेकिन उसके मम्मा को मेन प्रॉब्लम था तो टीटू के दादा दादी के घर साइड से। अब साथ जल्दी आना जाना और टीटू के अफेयर के चक्कर में थोड़ा लेट हो जाना रोज का चल रहा था। मोनू अपनी आइडेंटिटी से भी जूझ रहा था। मोनू जानता था कि उसे लड़के पसंद है, लेकिन वो गे है ये चीज़ समझ नहीं पा रहा था। मोनू के पापा, जैसा कि मैंने बताया, प्रॉपर्टी डीलर होने की वजह से अपनी
बीवी को भी वैल्यू नहीं करते थे उस टाइम पे, और काफ़ी परेशानियों से गुजर रहा था मोनू। पापा बात तक नहीं करते थे ठीक से, बाकी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी मोनू को, बस मोनू अपने पापा को पसंद नहीं करता था इन्हीं कारणों से। मोनू के जो क्रश होते थे वो लड़के होते थे, और बात मोनू किसी से करने की बात हुई तो किसी से बात बता ही नहीं सकता था अगर उसके दिल में कुछ चल रहा होता। इतना कॉन्फिडेंस उसे मिला ही नहीं था कभी कहीं से, शांत ही रहता। एक दिन जब ट्यूशन से लेट हुआ, टीटू को छोड़कर मोनू घर आने लगा, क्योंकि टीटू अपनी क्रश के लिए फिर से रुका हुआ था। मोनू घर पे डांट खा रखी थी उसने, तो उसने कहा कि यार तू रुक, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, काफ़ी देर हो रही है। टीटू ने कहा कि कुछ देर तो रुक जा, पर मोनू ने कहा कि नहीं, काफ़ी देर हो गई है, शाम भी हो रही है, रात होने वाला है, मैं चलता हूँ, तू आ जाना। अब जिस रास्ते से मोनू वापस लौट रहा था, वहाँ रास्ते में वो खंडहर था जहाँ पर लड़के अक्सर नशाबाजी करते थे। अंदर से उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मोनू डरा नहीं, उसे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि जाके देखे। वहाँ रुका और थोड़ी देर ऑब्जर्व किया, फिर अंदर झांकने लगा। जब वो अंदर झांकने लगा, काफ़ी शाम का वक्त था, अंधेरा भी हो रहा था, बाकी हल्की रोशनी तो थी ही। मोनू ने देखा कि एक पतला दुबला लड़का दीवार पकड़ के झुका हुआ है और उसे पीछे से पकड़ के कोई संबंध बना रहा है। दोनों ने आधी पैंट खिसका रखी थी और नज़र बाहर की ओर लगा रखी थी। मोनू देखकर एक्साइटेड भी हुआ और डरा भी हुआ था कि ये सब क्या हो रहा है। वो समझ गया था कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं, दो लड़के आपस में संबंध बना रहे हैं। वो छुप कर देखता रहा, दीवार पकड़ कर झुका लड़का कराह रहा था। अब वो कराहट मजे की थी या दर्द की वो नहीं पता। मोनू उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा फील करने लगा, वो जोश से भर गया। अब उनका काम हो जाने के बाद उन दोनों ने कपड़े चढ़ा लिए और मोनू उनके बाहर आने से पहले ही वहां से निकल आया। मोनू ने उनमें से एक को पहचान लिया था, क्योंकि वह वही लड़का था जो उसे अक्सर परेशान करता। उस पीछे खड़े लड़के को वो अच्छे से जानता था, क्योंकि यही था जो असली इशारे करता और सिगरेट वगैरह पीने के लिए बुलाया करता, कभी कभी ताश खेलने के लिए भी। अब मोनू घर पर आया, उसके दिमाग में वो चढ़ा हुआ था जो उसने देखा था। वो सीधे बाथरूम में गया और उन दोनों को याद करके वो मैथुन करके हल्का महसूस करने लगा। ये पहली बार था जब मोनू को लगा कि जैसे कि आज जो देखा था उसने, उसकी फीलिंग हमेशा से उन्हीं चीज़ों के लिए थी। अब दूसरे दिन भी मोनू ट्यूशन से शाम लौटते वक्त फिर से झांकने लगा उसी जगह पे कि काश ये चीज़ें होती दिख जाए, पर कोई नहीं था उस दिन। अब अगले दिन भी उसने कोशिश की कि देखे कुछ हो जाए। उसने देखा कि वो लड़का अकेले आ रहा था और उसने बोला कि पिएगा क्या, यहाँ पर क्या कर रहा है, और मोनू बिना कुछ बोले चला गया। अब 3-4 दिनों तक उस खंडहर में कुछ भी नहीं हो रहा था। मोनू थोड़ा डर गया था कि उस लड़के ने देख लिया है, पर अब काफ़ी दिनों बाद फिर से लगा जैसे कुछ हो रहा। जब जैसे मोनू वहाँ पास पहुँचा उस खंडहर के पास, उसने देखा कि फिर से कोई दूसरा लड़का झुका हुआ है दीवार पर, और इस बार दो लड़के पीछे खड़े हैं। उसमें से तो एक लड़का वही था जिसे मोनू जानता था और एक लड़के को वो नहीं जानता था। दो लड़के अब एक एक करके कर रहे हैं उस लड़के को। मोनू छुपकर देख रहा था और तभी उनको एहसास हो गया कि कोई बाहर से देख रहा है, क्योंकि शायद पैर से पत्थर या मिट्टी कुछ खिसकी जिसकी आवाज़ उनको सुनाई दे दी। मोनू भागकर रोड पर आ गया। तब तक उसी लड़के ने देख लिया मोनू को जो उसे जानता था। वो समझ गया कि मोनू ने उन तीनों को ये सब करते देख लिया है, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जो करना था उन्होंने अंदर जाके किया, एंजॉयमेंट किया और फिर अपना चले गए। अब मोनू कुछ दिनों तक छिपता रहा, उस लड़के से नजर बचाता रहा, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था। हर बार टीटू साथ होता था तो वो लड़का ज्यादा कुछ नहीं कहता था, पर अब मोनू थोड़ा टीटू से अलग रह रहा था इन्हीं चीजों के लिए। टीटू तो गाली गलौज तक दे देता था, बात लड़ाई तक पहुंच जाती थी, टीटू नहीं डरता था। अब वो लड़का मोनू को अकेले देखकर पूछता कि तूने सब देख लिया है ना, मैं सब जानता हूँ, तू भी करेगा बता, बहुत मजा आएगा, हम लोग अक्सर आते हैं, ये बात किसी को मत बताना।
मोनू का मन तो था पर डर के मारे उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये लड़का हर दिन वैसे ही कहता, उसे बुलाता, उसे अप्रोच करता और एक दिन थोड़ा हिम्मत दिखा के मोनू उनके साथ शामिल हो गया, चला भी गया। बैग साइड में रखा ट्यूशन वाला और एक लड़का आया काफी बल खाते हुए। उसे मोनू ने ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व किया, उसने उसे कभी देखा नहीं था। उस लड़के ने आते ही सबको अपने पैंट खिसकाने के लिए कहा और उसने मोनू को देख करके ब्लेजर देते हुए कहा कि पहली बार है क्या, काफी डर रहे हो। मोनू ने कहा कि हाँ, उसको काफी घबराया था पर मोनू को एक बार ट्राई भी करना था इन चीजों को। मोनू ने उस लड़के को किया जो आया था, वो झुक गया और उसने सब कुछ किया, उसे बहुत मजा आया था, उसने एंजॉय किया। उसके बाद मोनू तो डरा ही हुआ था, वहां से खंडहर से सबसे पहले निकल के भागा। अब ये सब कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा, मोनू अक्सर जाता पर अब जो लड़का आता था अब उसने आने से मना कर दिया क्योंकि अब उसका कहीं और से टाका फिट हो चुका था, वो लड़का कहीं और जाना कर चालू कर चुका था, अब इधर आना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये तीन लोग रह गए थे, जिस लड़के की वजह से मोनू सब कुछ चालू किया था, वो लड़का बहुत घटिया था, गलत आदतें तो थी ही उसकी और मोनू को शामिल कर लिया था उन लोगों ने, पर मोनू अब उनसे भाग रहा था क्योंकि पढ़ने लिखने वाला लड़का था, इसकी लाइफस्टाइल भी अलग थी, वो तो घुमक्कड़ और लोफर लोग थे। मोनू को वो लड़का पास आता और बोलता कि हम तीनों कुछ करते हैं क्योंकि अब तो वो आता नहीं है। मोनू ने मना कर दिया पर वो लड़का फिर भी पीछे पड़ा रहा। उसने मोनू को इंसिस्ट किया कि एक बार ट्राई कर लो, अच्छा लगेगा। अब उसने बहुत मनाया और बहुत मनाने पर मोनू जब इतना पीछे पड़ा रहा वो लड़का, मोनू मान भी गया। मोनू हिम्मत करके खंडहर पे गया, वो लड़का अपने दोस्त को भी ले आया, मोनू के साथ जबरन करने लगे क्योंकि मोनू को दर्द हो रहा था, वो रेडी भी नहीं था। फिर दोनों मिलकर मोनू को करने लगे, जब सारी चीजें हो रही थी मोनू की चीख निकल गई थी, बहुत दर्द सहा था मोनू ने, और सब हो जाने के बाद मोनू वहां से भाग निकला, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। बाद में लेकिन मोनू को फील हुआ कि उसे ये भी चाहिए था, उसे ये भी एहसास हुआ कि ये चीजें करनी हर बार ठीक नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या सही क्या गलत, पर हाँ उसे समझ में आ गया था कि ये चीजें ठीक नहीं है। उसने अब मन में ठान लिया कि अब से वो उन लड़कों से नहीं मिलेगा। पर इन चीजों की वजह से कुछ चीजें जो क्लियर हुई थी मोनू की लाइफ में, वो ये थी कि उसे ये समझ में आ गया था कि उसे लड़के ही पसंद है और वो एक वर्सटाइल है, उसे अपने फीलिंग का पता चल गया। अब क्लास 10th पास होकर के क्लास 11th में दोनों जा चुके थे, टीटू और मोनू अब अक्सर साथ होते, अब एक दूसरे को टाइम भी देते क्योंकि 11th था, पढ़ाई लिखाई जरूरी थी ताकि 12th में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। पर उस मोहल्ले के जो खंडहर वाला इलाका था, मोनू उधर से आना जाना अवॉइड करता था क्योंकि वो लड़का अक्सर दिख जाता था उस इलाके में और वो उस लड़के से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर वो पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। वो बीच बीच में मोनू को इंसिस्ट करता और मोनू मान भी जाता, अब क्या करता। अब हर 3-4 महीने में वो संबंध बनाने के लिए कहता, मोनू को लगता कि चलो 3-4 महीने में ठीक भी है, लेकिन उसका मन नहीं करता था उस इंसान के साथ ये सब करने के लिए। मोनू बहुत टॉर्चर होता, वो ब्लैकमेल कर रहा था कि सबको बता देगा तो ये सब करता है, ये बहुत परेशान था। टीटू को ये बता भी नहीं सकता था क्योंकि ये सब चीजें टीटू को साथ समझ में भी नहीं आती। मुश्किल से ये साल भी बीता और फिर फाइनली टीटू और मोनू दोनों क्लास 12th पहुंच गए। वक्त बहुत जल्दी बीत रहा था, बहुत चीजें जल्दी जल्दी हो रही थी और अब तक मोनू अपने बारे में काफी चीजें एक्सप्लोर कर चुका था। घर के लैपटॉप में बैठ करके उसने बहुत सारी चीजें सर्च कर ली थी, उसे बाकी LGBT से लेकर हर एक चीज समझ में आ गई थी, हुकअप से लेकर ओरिएंटेशन से लेकर सारी चीजें। और अब वो उस लड़के से बहुत ज्यादा चिढ़ रहा था, उसे अब चाहिए था कि कैसे भी करके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले और यहाँ से निकल भागे ताकि अपनी लाइफ बाकी कम्युनिटी के लोगों की तरह जी पाए। एग्जाम का बहुत टेंशन था मोनू को, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कुछ गलत चीजें हो। उसने वो रास्ता छोड़ रखा था उस आवारा लड़के की वजह से, ब्लैकमेल की वजह से, जो ब्लैकमेल कर करके संबंध बना रहा था मोनू के साथ, और मोनू ये बिल्कुल भी उसे ये चीजें ठीक नहीं लग रही थी। एक दिन जब टीटू और मोनू पढ़ाई कर रहे थे
तभी बाथरूम से टॉवल लपेटे एक शख्स निकला। छाती पर घने बाल, काफी क्यूट सा बंदा, टॉवल में बहुत आकर्षक शरीर वाला एक जवान लड़का। मोनू ने जब उसे देखा तो उसे देखते ही एक आकर्षण महसूस हुआ, मानो उसे प्यार हो गया हो, या शायद आकर्षण ही कह सकते हैं, लेकिन उसके नजरिए में तो प्यार ही था। जो भी था, काफी स्ट्रांग फीलिंग थी। और तब टीटू ने बताया कि ये उसके चाचा ऋषि हैं और वो पुणे से पढ़ाई करके आए हैं। ऋषि छत पर अपने कपड़े डालकर नीचे आ रहे थे, तभी उसकी नजर मोनू पर पड़ी। मोनू और ऋषि चाचा की ये पहली मुलाकात थी, आकर्षण की शुरुआत थी। और अब होगी असली स्टोरी की शुरुआत। स्टोरी का ये था पहला चैप्टर, आगे की स्टोरी हम इसके सेकंड चैप्टर में जानेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, जैसा कि हमने बताया, दोस्त के चाचा से प्यार अभी तो शुरू ही हुआ है। स्टोरी फिलहाल अब तक आपको कैसी लगी है नीचे जरूर लिखें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। काफी अच्छी स्टोरी होने वाली है नेक्स्ट पार्ट इसका। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। लव इज लव।